10,000 रुपया बाकी था, वही मांगने गए हैं तो हम लोग पर जान हमला करे है और मारपीट करे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में, आपका स्वागत है। आज हम मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर थाना क्षेत्र और सिंधुवारी बरैठा गांव के वार्ड नंबर 12 में खड़े हैं, जहां पर दो पक्षों में मारपीट हुई और मारपीट भी हुई उधार लेन देन की बात को लेकर। यह जो एक पक्ष है सामने दिखाई दे रहा है, ये घर जो है टीना का और इन्हीं के परिवार के लोग जो जख्मी हैं, ये हैं महिला जो जख्मी हैं और इनके ही दो तीन लड़कियां हैं जिनको गंभीर चोट लगी है। मारने वाला का नाम भी हम बताएंगे और उनसे भी पक्ष लेंगे, लेकिन पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि मारपीट क्यों हुई। 10,000 रुपया लिया था, मांगने गए थे, उसी ला मारपीट करा, हमारे कपड़े उपड़े सारे फाड़ दिया था, तो हम बदल के हॉस्पिटल गए। पहले बोले बड़ा बाबू के हॉस्पिटल जाओ, अच्छा। दवा दारू करा के आओ तो फसला होगा, अच्छा। और वही 10,000 रुपया खातिर हमारे के सब माइये दिए, मिल के मारे, 5-6 आदमी मिल के मारा। किसको दी है 10,000? राजकुमार के। किस लिए दी थी? वो धार लगाता है, वो पैसा कमा था तो वह मांग के ले गया था। अच्छा, तो जब मारपीट हो रही थी तो आपके घर के मर्द लोग कहाँ थे? हमारे घर के मर्द लोग नहीं थे, हमारे घर के मर्द से चल गए थे काम करने। हम लोग तीन बेटी मतारी था, तीन बेटी मतारी के मिल के मारा है वो सबको। कहीं चोट भी आपको लगा है? हाँ, हमको यहाँ कपार पर लगा है, दोनों लड़की के फूटा है। कहाँ है दोनों लड़की? कहाँ? हमको मार रहा था तो हमारे दोनों लड़की छोड़ाने गया, हमको कपड़े उपड़े सारा फाड़ दिया था। कौन फाड़ दिया कपड़े? वही राजकुमार राय। अकेले वही मारने वाला थे और कौन? नहीं, उसको दो बेटी था, वो उसका बीवी था, उसका भाई, उसका बाप था। राजकुमार के बाप का नाम क्या है? सुलिंदर राय। इस मारपीट के घटना को और भी कोई लोग देखा है? बहुत लोग देखा है, बाकी कोई नहीं झाड़ दे रहा है। अच्छा, अब रहा यह पीड़ित पक्ष है और ये जो दो लड़कियां जो चोटिल हुई हैं मारपीट में, भी हमारे कैमरे के सामने है और ये पैर में भी जख्म दिखाई दे रहा है, पट्टी लगा हुआ है और ये पूरा शरीर में भी चोट दिखाई दे रहा है कैमरे के सामने। और सामने ये जो है कटा भी है, कितना टाका लगा हुआ है? 5 टाका। 5 टाका लगा हुआ। कैसे आप लोगों को चोट लगी? मम्मी का छोड़ाने गए तो लगा। आप थोड़ा सा चुप रहिए, कैसे चोट लगी? मम्मी को छोड़ाने गए तो लगा। मम्मी को छोड़ाने गए? हाँ। क्या चला के मारा? हम देखे नहीं है। आप देखे नहीं? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान। सवाल बनता यह है कि लोग छोटी छोटी बातों को लेकर मारा मारी करने पर उतारू रहते हैं और कहते हैं कि हम किसी से कम नहीं, लेकिन जब उनके पास एक घटना घट जाती है और पुलिस पदाधिकारी का डंडा जब बरसने की नौबत आती है तो वह लोग जो है समझौते पर उतर जाते हैं। फिलहाल हम बता देवे कि मोतीपुर थाना प्रभारी मुकेश कुमार इस मामले में काफ़ी सक्रिय हैं और कोई भी दबंग को उनके थाना क्षेत्र में दबंगई नहीं चलेगी, चूंकि वह एक दो ऐसा मसौरा दिखा चुके हैं। सारे दबंग और जितने भी उचक्के हैं समाज में हैं, सभी लोग सावधान हो जाइए। गरीबों पर अन्याय अत्याचार करने से पहले अपने आप में पंचायती बिटोर कर एक समझौता कि आप जब मारपीट हुआ तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग नहीं थे यहाँ। आपने क्या देखा मारपीट में? आए तो हम कॉल में गए हुए थे, आए तो देखे कि मारपीट हुआ है, सुने कि मारपीट। मार कौन रहा था, मार कौन खा रहा था? वो नहीं देखे हम, कौन खा रहा था कौन मार रहा था नहीं देखे। आपने अभी आपने कहा कि ये पक्ष मार खा रहा था, हमने देखा मारपीट बने दूसरे पक्ष, ये पक्ष के मारा, ये सुने की ये आदमी की काफी गंभीर चोट लगी है। सुने हैं? सुने हैं। देखे नहीं? देखे नहीं है। अच्छा, और भी कुछ लोगों का घर है यहाँ, सुने क्या देखे? सुने से मारा मारी हुआ है। कौन मारा किसको? थी राजकुमार से हुआ, लखिंदर सनी के पत्नी के मारपीट। राजकुमार कैसा व्यक्ति है? झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है कि मतलब एकदम साधारण व्यक्ति है? विवाद हो गया, मारा मारी सोच के थोड़ी होता है। अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? नाम बैजू सहनी हुआ। बैजू सहनी, कहाँ घर हुआ आपका? हमारा रोड उसपटी घर है। रोड उसपटी, ये है राजकुमार का घर। कैमरामैन इधर से आके दिखाइए, ये है राजकुमार का घर और इनके परिवार में भी किसी को चोट तो नहीं लगी हुई है।
लेकिन यह है कि इन लोगों के द्वारा सह परिवार सामने परिवार पर जानलेवा हमला किया गया, यह आरोप जो है सामने वाला परिवार कर रहा है। सामने वाले परिवार के पूरे लोग जो है जख्मी है, इनके परिवार के लोग में कोई जख्मी नहीं है। फिलहाल हम इनके पक्ष को भी लेने की प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों आप लोग मारपीट कर रहे हैं, क्यों मारपीट किए हैं आप। सर, हम तो दवा लेके आ रहे थे डॉक्टर साहब के पास से, जो डॉक्टर साहब से अभी आप बात किए हैं उन्हीं के पास हम दवा लेने गए थे। लोगों का कहना यह है कि आप अनेकों लोगों के साथ ऐसे ही मारपीट करते रहते हैं और आपको जो है गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, इस पर क्या कहेंगे? हम तो सर एक व्यापारी है, आप अपने ही जगह नहीं लमसम आसपास के किसी भी फैक्ट्री में आप पता कर सकते हैं कि हम कैसा है, अच्छा बुरा लोग कहेगा। उनका आरोप है कि आपने 10,000 रुपया लिया है और वही पैसे की मांग के लिए आप जो है मारपीट किए हैं, ये सब आरोप गलत है। हम क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार यादव। जो पिता का नाम क्या हुआ? स्वर्गीय त्रिवेणी राय। आप यहाँ ससुराल में हैं? जी जी, हम अकेला है इसलिए हमको ये लोग डिस्टर्ब करता है कि ये कहीं से आके यहाँ पे कमाता है। कुछ लोग जो लोग आप जो बोल रहे हैं इस बात को साक्ष्य के तौर पर दो चार लोग हैं जो सबूत के तौर पर बोले हमारे कैमरे पर। देखिए, सबसे बड़ा चीज होता है सर कि कोई एक दूसरे के सामने नहीं आना चाहता है, कि समाज में सबको एक जगह ही रहना है। क्या देखे हैं आप? हम देखे कि इन लोग यहाँ पर आए तो इनको भी शांत किए कि गाली गलौज मत करो, मारपीट मत करो, अपने जगह पर जाओ, अभी अपने जगह पर जाओ। ये तो समझौता वाली बात हो गई, लेकिन जब क्या नाम हुआ आपका? बीके मंडल। बीके मंडल जी, बीके मंडल का कहना है कि घटना स्थल पर हम थे और यहाँ पर इनके पक्ष में भी कोई लोग जो है बोलने के लिए तैयार नहीं है। लोगों का ये कहना यह है कि मामला मारपीट का घटना घटी है और किस लिए घटी है यह हम लोग नहीं जानते हैं। और कुछ लोगों का कहना यह है कि राजकुमार राय जो है कि लोगों से झगड़ा करते रहते हैं, इसलिए हम डर के मारे नहीं बोलेंगे। चाहिए है कि इनके पक्ष में किसी को चोट नहीं है और इनके पक्ष में तीन लोगों को चोट जो है दिखाई दे रहा है। बगल में जहां घटना घटी उसी बगल में ये घर है और महिला हमारे सामने है। हम जानने का सच्चाई का प्रयास करेंगे, क्या घटना जब घटी तो आपने क्या देखा? सर, हम भीतर थे, हम आए देखे तो बाहर लड़ाई हो रहा था, समझे? हमारा साथ में भी नहीं बनता है सर। आप पीछे चल के देख लीजिए, नाला हम में बाहर आए और हम उसको लिए बोले तो हमसे पूरा फैमिली भीड़ के मारपीट करने के लिए तैयार हो गया। आपसे भी? हमसे भी। बार बार हम कहते हैं, हम कुछ के लिए इससे हम कुछ नहीं होता, हमको बार बार कोई चीज करेगा गलती तब पर भी स्वीकार नहीं करेगा। अभी जो इनमें दो आदमी में जब मारपीट हुआ तो इसमें किसकी गलती थी? ये तो हम भीतर थे ना, बाहर हल्ला हुआ पूरा। आप बाहर जब निकली तो क्या देखी? ये लोग उसको मार रहा था कि वो लोग इसको मार रहा था? बाहर हम दोनों बच्चा को रोड पर देखे, हम बाकी मारपीट तो सब आदमी सारा गांव का लोग देखा है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं बताता है। एक हम है, आप अभी चल जाइएगा मीडिया करके, अभी हमको सब मिलकर मारपीट करने लगेगा, अभी नोच नाच करके गिराने लगेगा। अभी हाँ, हमारा साथ में होता है। मतलब वो सबसे लड़ाई करता है? हमारा साथ में होता है, बार बार होता है, आप चल के देख लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रीना देवी नाम हुआ। कौन आपके साथ करता है? कौन करता है? पड़ोसी है बगल। उसका नाम क्या है? उसका नाम आप जानते नहीं? अभी इतना देर से मीडिया कर रहे हैं, आपको पता नहीं है सर? आपके साथ जो होता है उसका नाम तो आपको मालूम होगा। हाँ, उसका पूरा परिवार है। गलती करता है, उसका बच्चा चाहे सियाना, लेकिन उसका गार्जियन एक डांटता है। किसका परिवार? परिवार करने वाले का नाम तो बोलिए। राजकुमार है। राजकुमार है? हाँ, राजकुमार राय है। आपके साथ भी करता है? मेरे साथ भी करता है। अगर सच्चाई कोई बोलने से यहाँ पे टुकुर टुकुर लोग देखते रह जाएगा, लेकिन कोई सच्चाई नहीं बताएगा आपको। मार के फेंक देगा कोई आदमी को, लेकिन यहाँ कोई छुड़ाने किसी को नहीं जाएगा छुड़ाने। कितने लोगों के साथ आदमी है? सुनिए आप, वो पुरानी आदमी है, इस एक बार ना हमारे ऊपर बार बार, यहाँ 7 साल हमको आया हुआ है, 7 साल में कौन ऐसा साल नहीं है कि हमसे झगड़ा नहीं करता है, हमारे साथ में बार बार करता है। रीना देवी का भी एक आरोप है कि
बगल में जिन पर पीड़िता आरोप लगा रही है वह लोग जो है इन्हें भी तंग तबाह करते हैं और परेशान करते हैं। मामले पर माननीय थाना प्रभारी मोतीपुर से अनुरोध है आके गंभीरता से संज्ञान लेते हुए और ऐसी विवाद छोटी छोटी जो समाज में उत्पन्न होती है जो बड़े बड़े अपराध को भी अंजाम देने का मौका जो है निमंत्रण करती है, ऐसे विवाद को छोटे स्तर पर ही रोका जा सकता है। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर GE News बिहार, धर्मचंद यादव।